हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को लॉकडाउन में कुछ राहत देने चाहते हैं, उसके लेके आज हमारे मकराना के उपखंड अधिकारी एडीएम साहब सियाज अली जैदी साहब, तहसीलदार जी दिनेश कुमार जी शर्मा जी, माइंस एमी खाटकी साहब और मैं, मेरे साथ में नगर परिषद के उप सभापति सलाम जी भाटी और हमारे खान एसोसिएशन के मकराना विद्या बोरावड़ के पदाधिकारी, मारवाड़ विकास संघ के बाईपास संघ मकराना बाईपास बोरावड़ और विद्या एसोसिएशन के पदाधिकारी और गणमान्य लोगों के साथ में एक एडीएम साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजन हुई, जिसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की मंशा है कि कुछ राहत दी जाए जहां पे कुछ छोटा मोटा काम धंधा चालू हो सके। उसको लेके माइंस का इश्यू था कि लेबरों को लेके माइंस चालू, अगर लेबरों को रोजगार मिले तो अगर खान मालिक अपनी मतलब गारंटी पे या अपने रिस्क पे लेबरों को खानों में रखे और ना कोई उनका अप डाउन आने जाने का रहे और ना कोई बाहर का आदमी काम करने वाला बाहर से आए, तो खान मालिक खान चालू करने की इस तरह से संकेत हमारे पास थे। इसको लेके मैंने पहले हमारे खान मंत्री प्रमोद जैन भाई साहब से सबके सामने बात की, तो उनसे मैंने यही कहा साहब हमारे खान के मजदूर है, मकराना शहर के तो कम है, गांव से आसपास जगह के आने वाले बाढ़ में रह सकते हैं, तो इस लॉकडाउन के 3 तारीख से जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम नहीं चाहते हमारा मकराना आज बहुत ही सेफ है। अल्लाह ईश्वर की कृपा से मकराने में एक भी पॉजिटिव नहीं है। अगर इस तरह से मुख्यमंत्री जी की सोच तो बहुत ही सराहनीय सोच है, लेकिन जब बाहर से लोग बाग माइंस में काम करने के लिए आएंगे दूसरे जिलों से, तो हमें डर है कि हमारे मकराने को कोई नजर न लग जाए और इसमें कोई पॉजिटिव हमारे यहाँ पे संक्रमण नहीं आ जाए। दूसरा, लघु उद्योग, छोटे छोटे कारखाने पंचायत सीमा के अंदर है, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर नहीं, उनको भी चालू करने का मुख्यमंत्री जी की मंशा है। उसमें भी कंडीशन ये है कि मजदूर लोग उसी कारखाने भाड़े में सोए, वहीं रहे, वहीं खाना पीना रहे। अगर वो रोज अप डाउन करेंगे सुबह शाम को मोटरसाइकिलों से, तो इसमें लॉकडाउन के अवहेलना होती है, तो उसमें भी हमारे मजदूर लोगों को आने जाने में फिर घर नहीं जा सकते हैं। इसको लेके भी चर्चा हुई। तीसरा, रिको इंडस्ट्रीज के, जहाँ रिको में इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसको भी चालू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जताई थी, उसमें भी कंडीशन यही है कि मजदूर लोग वहीं रहे, बाहर से कोई नहीं आए। कहने का मतलब है जितने भी हमारे तीनों माइंस हो, रिको हो या छोटे मोटे कारखाने हो, एक ठेकेदार की जिम्मेदारी पे ठेकेदार से एक एसडीएम साहब एफिडेविट लेके अगर उस पीरियड के अंदर उस कारखाने के अंदर कोई लापरवाही बरती जाती है या वो लॉकडाउन की अवहेलना करता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, उसका फैक्ट्री का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है अगर उसमें वो लापरवाही बरतता है। तो ये सारी चर्चाएं एडीएम साहब की हम सबके बीच में, सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी के बीच में हमारी चर्चा हुई, हम सब ने एक राय होके एडीएम साहब को हमने सब ने यही कहा कि साहब 3 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है, 3 तारीख तक हम नहीं चाहते कि हमारा लॉकडाउन में इस तरह से कोई मकराने के बाहर से लोग आके हमारे यहाँ पे लोगों को नजर लग जाए, इसलिए हमने सब ने यही राय मशवरा किया कि 3 तारीख तक हम कोई कारखाना फैक्ट्री माइन चालू नहीं करेंगे। इसको लेके ये सारी बात हुई। उसके बाद में हमारे नागौर जिले के कलेक्टर साहब दिनेश कुमार यादव साहब,
एचडीएम कार्यालय के अंदर निरीक्षण करने आए। बहुत ही चिंता का विषय है कि दोपहर को 5 बजे तक हमारे नागौर के अंदर 26 पॉजिटिव केस मिले गए। आज में 11 केस वासनी के अंदर और मिल गए दोपहर 5 बजे तक। अभी शाम को रिपोर्ट आई वो बाकी है, क्यों जांचें भेजी हुई है, जांचों की रिपोर्ट अब आ रही है। तो कलेक्टर साहब जो स्पेशल विजिट परवसर विजिट करके आए थे, जो कल 2 विजिट वहाँ पॉजिटिव आए थे, वासनी 11 आज आ गए। मकराना की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कलेक्टर साहब कि मकराना में, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि मकराना में ये ऑर्डिनेंस जगह नहीं आए, वरना मकराने में आ जाएंगे तो यहाँ पे तो आपस का मामला इसदारियों का इतना हो जाएगा तो हमें सामान भारी पड़ जाएगा। एजीएम साहब से, तहसीलदार जी से पूरा मकराने का फीडबैक लिया और उनको निर्देश दिया कि हर व्यक्ति लॉकडाउन की पालना करे और जो समस्या आ रही है लोगों के बीच के अंदर उसका समाधान करें। तो ये मैं मकराना के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों, ये जो कोरोना वायरस की बीमारी जो पूरी विश्व इसमें आज जूझ रहा है, मैं खास तौर पर मकराना वासियों से पूरे जोर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते आप इसको सीरियस लेवे। मोटरसाइकिलें शाम को घर से बाहर निकलना ये सब बंद करें, क्योंकि अब जो इसके लक्षण हैं, जो रिपोर्टें गई हुई है लोगों पे, अब इनके रिजल्ट आ रहे हैं, आप बाहर निकलोगे तो ये बीमारी घर में लेके जाओगे। और इसी चीजों को देखते हुए हम सब मकराना के व्यापारियों ने ये निर्णय लिया कि जो मुख्यमंत्री जी राहत दे रहे हैं लॉकडाउन के अंदर कुछ कार्य करने के लिए, तो हम सबको मालूम है कि ये इस तरह से राहत वाली बात को लेके जब खोलेंगे तो यहाँ मकराना के अंदर अवहेलना ज्यादा होने के चांस होंगे। उसमें फैक्ट्री कारखाना मालिक, बाड़े का मालिक, माइंस ओनर उल्टा शिकंजे में फंस जाएगा। शिकंजे में फंस जाएगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन बाहर से रिक्स हम आज तारीख के अंदर ये नहीं ले सकते। मेरा आपसे पूर्ण जोर निवेदन है कि आप अपने घरों के अंदर रहे। स्थिति आने वाली बहुत गंभीर आने वाली है, इसको सीरियस लेवे। बहुत खतरनाक बीमारी है, घर में बैठ के अल्लाह ईश्वर भगवान को याद करे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप सब लोग ज्यादा समझदार हो। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग घर में रहे। धन्यवाद।